अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेंट्स, दिगंबर श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanprathibha.org। डेट एंड वेन्यू विल बी इन्फॉर्म्ड टू कैंडिडेट्स। चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्यय जनल संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भान रिवयो महानयन पथगामी भवतु नः अहिंसा विश्वधर्म। आचार्य शांत सागर छानी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, सुलेखायण परम की चर्चा के दौरान आप विगत दिनों से परमात्मा कैसे बन सकते हैं? एक हैवान से इंसान बनना कठिन और इंसान से भगवान बनना और कठिन, और भगवान में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना और भी मुश्किल है। लेकिन परिणाम जिनके निर्मल हुए, ऐसे सम्यक दृष्टि भव्यात्मा धर्मात्मा अपने जीवन का विकास करते हैं। तो कल आपने सुनी थी सूर्यकार भावना पर्व के दौरान आवश्यक परिहानी भावना, आवश्यक कार्य जो आत्मा की उन्नति कराए, परमात्मा से साक्षात्कार में जो कारण बनते हैं, जो हमारे जीवन को विशुद्ध बनाती है, वह आवश्यक कर्तव्य निरंतर विशुद्धि बढ़ाने में निमित्त बनते हैं। यह आवश्यक कार्य आत्मा को पवित्र बनाती है, आत्मा की पवित्रता बढ़ाती है। अभी हमारी आत्मा पवित्र है, राग देश मोह कषाय दुर्भावनाएं, तो ये आवश्यक कार्य आत्मा की पवित्रता बढ़ाती है। तो ये आवश्यक कार्य पापों का नाश इन आवश्यक कार्यों के माध्यम से होता है बंधुओं। यह आवश्यक कार्य जीवन का आंतरिक विकास कराते हैं। हम बाही में तो बहुत विकास करते हैं, लेकिन आंतरिक विकास परिणामों की निर्मलता, आत्मिक विकास रत्नत्रय की वृद्धि, आत्मिक विकास उस अशुभ आश्रव अशुभ बंध से बच करके
और संबंध निजरा जिन परिणामों से होती है, ये सारे आत्म विकास के कारण बनते हैं। आज उस 16 कारण, अब ढलता हुआ सूर्य है, यद्यप 16 कारण तो चलेंगे लेकिन दशलक्षा पर्व भी आपके बीच में आ रहे हैं। आप अपनी मानसिकता बना रहे होंगे, धर्म ध्यान की, परमात्मा की भक्ति की, नियम संयम ज्यादा से ज्यादा कैसे हम पालन कर सकते हैं, ये सब आप मानसिकता बना रहे होंगे। आज है मार्ग प्रभावना भावना। बंधु, मार्ग जिस पर चला जाता है वह मार्ग कहलाता है। वो आप तो रोड से बहुत परिचित हैं, यह हाईवे रोड है, नेशनल हाईवे रोड है, यह स्टेट हाईवे रोड है, ये मार्ग तो बहुत जानते हैं भैया। वह रास्ता, बहुत तरह के रास्ते हैं, इस 12 से भी पता नहीं कहां कहां के लिए रास्ते जाते हैं। तो मुख्य रूप से दो मार्ग हैं, एक संसार का मार्ग और एक मोक्ष का मार्ग। संसार का मार्ग तो आप सब गुजर रहे हैं, चारों गति 84 लाख योनियों में निगोद से यात्रा हमारी प्रारंभ हुई और हमारी मंजिल मोक्ष में है। तो हमें मोक्ष की यात्रा करना है और मोक्ष की यात्रा के लिए वे पंक्तियां 6 ढाला की आपको याद करा देता हूं। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण बश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संग खेप कहूं बखान। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, ये तो संसार के मार्ग हैं, यह शांति के मार्ग हैं, यह शुभ आश्रय बंद के मार्ग हैं, ये तनावों के मार्ग हैं, ये जीवन को दुखी विपत्तियों का शिकार बनाते हैं और इनसे विपरीत सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। तो भैया, यह जो मोक्ष का मार्ग है, शांति का मार्ग है, परमात्मा बनने का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, वह 16 कारण पर्व और 16 कारण पर्व में मार्ग प्रभावना नाम की भावना। कैसे इस रत्नत्रय मार्ग की प्रभावना हो, कैसे लोग आत्मा की महिमा को समझें। ये संसार तो दुख में है और कोरोना वायरस ने सबको संसार का सही ज्ञान कराया है। लाभ भी इसके हो सकते हैं लेकिन संबंधों में खटास, संबंधों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पता पड़ जाए कोई पॉजिटिव है तो कोई भी घरवाला रिश्तेदार भी झांकने तैयार नहीं है, सब डरते हैं इन्फेक्शन भी हो जाए, इतना डर बिठाल दिया इसने। तो ये संसार की विचित्र दशा है। तो बंधुओं, यह जो मोक्ष का मार्ग है, इस मोक्ष के मार्ग के लिए हमारे भगवंतों ने बहुत तरह की बात की है। मार्ग प्रभावना को लेके आचार्य कुंद स्वामी ने समय शार में गाथा के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन किया है। विजारह मारूडो मनोरह पहेसु भमद जो चेदा सोजनान पहावी
सम्मा दिट्ठी मुले दबो। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है प्रभावना का, उस प्रभावना के लिए वह मुनि श्रेष्ठ हैं जो विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर अपनी इंद्री व मन को जिन्होंने वश में किया है और अपने को उज्जवल बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ही वास्तव में मार्ग की प्रभावना कर सकते हैं। दान तपो जिन पूजा, सबसे बड़ी प्रभावना तो यह है कि हमारे किसी क्रियाकलाप से अप्रभावना न हो, सत्य के मार्ग को लोग समझें, अहिंसा के मार्ग को लोग समझें, उस संयम की महत्ता को लोग समझें, सम्यक तप की महत्ता को लोग समझें, अष्टंगों के पालन से किस तरह से विशुद्धि बढ़ती है, 25 दोषों के परित्याग से किस तरह से आत्मा विकास करता है, तो भैया वास्तव में तो सम्यक दर्शन से ही संपन्न मुनि महाराज जिनेंद्र भगवान के मार्ग की प्रभावना कर सकते हैं। धर्मात्मा ही मार्ग की प्रभावना कर सकता है। तो मार्ग प्रभावना में सत्य का उपासक होना जरूरी है। जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप, पांच पापों से जिसका जीवन गुजर रहा है, वह कभी मार्ग की प्रभावना नहीं कर सकता। तो सत्य का उपासक होना चाहिए। भोगों में सुख नहीं है, वैभव में शांति नहीं है, शरीर की सेवा से संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। जे पूरव सिव गए जाहि और आगे जे हैं, सो सब महिमा जान तनी मुनि नाथ कहे हैं। बिसे चाह दब दाह जगत जन अरन दजावे, तासु पाय न आन ज्ञान घन घाऊ जावे। भैया ये सम्यक ज्ञान से ही जितने पूर्व में मोक्ष गए हैं, आगे मोक्ष जाएंगे, वह सम्यक ज्ञान की महिमा के द्वारा ही मोक्ष जाएंगे। और विषय चाहरूपी इच्छा की जो दावा नल है, यह सम्यक ज्ञान ही बुझा सकती है। सम्यक ज्ञान रूपी जल से ही इसको बुझा सकते हैं। ऐसे सम्यक ज्ञान, सत्य का ज्ञान लोगों को करा। ये भोग, विषय, कषाय, इनमें शांति नहीं है। शांति तो तेरे अंदर है। और सत्य का अन्वेषण करो। ये मार्ग प्रभावना क्या सत्य है? तो जीवन का सत्य है परमात्मा की प्राप्ति। जीवन का सत्य है तनाव मुक्त जीवन। जीवन का सत्य है सुख मेरे अंदर है। उस अंदर अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना है, क्यों पर मैं सुख ढूंढ रहा है, क्यों पर का दीवाना है, क्यों पर का दीवाना है। तो सत्य का अन्वेषण कीजिए। वह सत्य तुम्हारे अंदर है, सुख तुम्हारे अंदर है। ये विषय कषाय भोगों से सुख नहीं मिलेगा, ये तो दुख बढ़ाने वाले हैं। और सत्य का अभिनंदन करो, सत्य का सम्मान करो, सम्यक दर्शन का सम्मान करो, धर्मात्माओं का सम्मान करो। तो धर्म प्रभावना निश्चय ने से तो अपने राग द्वेष आदि घटाना। आत्म प्रभावनीय, आत्मा की प्रभावना ही वास्तव में प्रभावना है। तो राग द्वेष जितने घटेंगे, मोह जितना कम होगा, मोह की बड़ी विचित्र महिमा है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चौर सर्वस लूटे सुध नहीं। तो भैया
जो जितना मोह घटाएगा, राग देश घटाएगा, विषय कसाई जितने जीवन में घटेंगे, अपना अच्छा आचरण बनाइए, ऐसा कोई काम मत करो। देखो भैया धर्मात्मा के घर देखो तो हम अपने कर्तव्य को पालन करें, और कर्तव्य के पालन करने से संयम तप त्याग और रथ यात्रा और बहुत धर्म के ऐसे आयोजन होते हैं, उनसे लोगों को पता पड़े कि यह सत्य है, मोक्ष का मार्ग तो यह है। तो सच्ची प्रभावना तो आचरण से ही हो सकती है। तो भैया सत्य का अभिनंदन करो और सत्य की पूजा करो। क्या सत्य है? यह है मोक्ष मार्ग में लगना ही सत्य है। ये अनुव्रत तो महाव्रतों का पालन करना ही सत्य है। तो बड़े बड़े आचार्य हुए, तीर्थंकर प्रभु हुए, इन्होंने जीवन में सत्य का आश्रय लिया। जिस सत्य का प्रकाश मेरे हृदय में हुआ है, यह मोक्ष मार्ग, यह त्याग संयम के भाव हमारे बने हैं, अहिंसा मार्ग पे हम चल रहे हैं, तो लोगों को व्यसन मुक्ति के मार्ग पर चलाना, उन्हें प्रेरणा करना, धर्म के मार्ग के लिए प्रेरणा करना श्रावक के 6 आवश्यक कार्य हैं। अनुव्रत हैं, महाव्रत हैं, हम लोगों को नियम की प्रेरणा करते हैं, धर्म का पालन करो, इससे ही शांति मिल सकती है। तो सत्य की प्रभावना हो, उसके लिए सत्य मार्ग पर लोग चलें। सत्य से लोगों का परिचय ही नहीं है। लोग तो सोचते हैं बाही पदार्थों से मुझे सुख मिलेगा। बाही पदार्थों में सुख नहीं है, यह तो दुख और अशांति के कारण है। तो सत्य का प्रकाश लोक में सुख और शांति का जो मार्ग है, अत्यंती सुख ही वास्तव में सुख है। इंद्री जन्य जो सुख है यह तो सुखाभास है। संसार में जिन्हें तुम अपना मानते हो कोई नहीं है।